जितने भी रेलवे के छात्र हैं काफी परेशान हैं, और परेशानी अब वैकेंसी को लेकर कम, लेकिन एक ऐसे शिक्षक का चैनल ब्लॉक कर दिया है जिस शिक्षक को लेकर छात्र काफी परेशान है। हम इस वीडियो में इसके झांसर पर बात करने वाले हैं, मनीष कश्यप पर बात करने वाले हैं, और रेलवे मंत्री जी के पूरे बयान पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे वीडियो को भी ब्लॉक कर दिया गया है, और हमने जो प्रोटेस्ट कवर किया था उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे की वैकेंसी आई है और रेलवे गुरु कहे जाने वाले इसके झांसर के चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। तो हम दिखाते हैं कि इसके झांसर के चैनल को क्या लिखा जा रहा है। आप लोग तो देख लिए होंगे, लेकिन पूरा विश्लेषण थोड़ा सबसे पहले हम इसके झांसर पर देने वाले हैं, क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी है और ये हमारा काम है कि हम इन चीजों पर बात करें। देखिए, इसके झांसर के चैनल को वीडियो चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, लेकिन ये देखिए, हम चैनल सर्च किए तो दिस कंटेंट इज करेंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट रिमूवल रिक्वेस्ट प्लीज विजिट द गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। यहाँ पे है transparencyreport.google.com। इसका मतलब ये है कि करेंटली गूगल जो यूट्यूब है वो गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट और रिमूवल रिक्वेस्ट को लेकर के सर का चैनल करंट कुछ दिनों के लिए रिमूव कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये चैनल फिर नहीं दिखेगा, गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर इस चैनल को कुछ दिनों के लिए रिमूव किया गया है करंटली। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बंद किया गया है। तो जितने भी छात्र ये सोच रहे हैं कि सर के चैनल को बंद कर दिया गया है, अब नहीं आएगा, नहीं खुलेगा कभी, तो ये बात नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता था कि रेलवे वैकेंसी को लेकर 3 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, और चूंकि इसके झांसर पूरे देश में रेलवे गुरु के नाम से वायरल है, आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है कि इसके झांसर रेलवे गुरु के नाम से वायरल है, तो इसके झांसर के चैनल को इसलिए ब्लॉक किया गया होगा क्योंकि इसके झांसर रेलवे पर बात भी कर रहे थे, जैसे हमारे वीडियोस को भी ब्लॉक किया गया। तो क्यों किया गया है भाई? और उस वीडियो को ब्लॉक किया गया है जो हमने कवर किया है 3 दिनों से, और उसका मेल भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। हमने पीडीएफ तो लगाया नहीं है, लेकिन उसका मेल हम पढ़कर लगा देते हैं। देखिए, सीधा इसका टाइटल ही है, YouTube वीडियो ब्लॉक ड्यू टू गवर्नमेंट कंप्लेन। हाय काबिल न्यूज, वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर रिगार्डिंग योर कंटेंट। आफ्टर रिव्यू द फॉलोइंग कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम व्यू ऑन द YouTube कंट्री साइड। और कंट्री साइड कौन है? वो है इंडिया, मतलब इंडिया में ये वीडियो ब्लॉक कर दिया गया है, और ये भी जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन इंडिया में ही ब्लॉक है चैनल। तो समझ सकते हैं, जितने भी लोग रेलवे की चीजों को दिखाए हैं या लाइव किए हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत जरूरी है, और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए। और जितने चैनल्स लाइव किए हैं रेलवे के प्रोटेस्ट को, उनको ये नोटिस गया है, जो वीडियो ब्लॉक हमारा हुआ है उन पर भी नोटिस गया है, उनका भी ब्लॉक हुआ है, और सर के चैनल को करेंटली सर का चैनल ही बंद कर दिया गया है, और कुछ और शिक्षक हैं जिनके चैनल्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन कब खुलेगा, क्या होगा, इसका कोई अपडेट नहीं है कि ये चैनल कब खुलेगा, कितने दिनों में ये वापस देखने को मिलेगा चैनल, कितने दिनों बाद इस पर लोग क्लास लेंगे, ये कोई इसका अभी तक कोई नोटिस इसको लेकर नहीं दिया गया है। और जैसे ही कुछ होगा हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। काफी छात्र परेशान है, चूंकि रेलवे की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी दे दी गई और इनका चैनल ही बंद है, और रेलवे के छात्र चूंकि इसके झांसर पर काफी भरोसा भी करते हैं, तो हम शिक्षकों से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, जिनका भी आरआरबी चेयरमैन से बात होता है या जितने भी शिक्षक ऐसे हैं जिनकी बात गवर्नमेंट सुनती है, सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मुद्दे पर भी बात कीजिए, और एक वजह जरूर आप लोग सामने लेकर आइए कि इनका चैनल क्यों बंद है, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया गया है तो वजह क्या है, क्या कुछ है, और कब तक खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, चूंकि छात्र काफी परेशान है, छात्र अपने शिक्षक को देखने के लिए काफी परेशान है, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटी 100-200 छात्र पढ़ते हैं इनके यहाँ, ऑफलाइन सेंटर में 5,000 से 10,000 छात्रों का डेली आना जाना रहता है इनके कोचिंग्स पर, ऑनलाइन की अगर बात करें तो लाखों छात्र इनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ते हैं, और सभी छात्रों का कहना है कि हमारी वैकेंसी सामने है और हमारे सर का चैनल ही बंद किया गया है। तो सर, जितने लोग भी जिनका चैनल खुला है, एक अपील जरूर कीजिए कि एक वजह बता दिया जाए कि चैनल सर का कब तक आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर सर ने सपोर्ट किया होगा तो आप लोग भी सर को सपोर्ट करेंगे। बाकी